TDT and #29 में आप सभी का स्वागत है। पहली टेक न्यूज निकल के आ रही है, MI 11 अल्ट्रा अप्रैल 23 को मार्केट में लॉन्च हो रहा है और हो सकता है इसके साथ MI 11 प्रो, MI 11 i एंड MI 11 जो है, ये तीनों फोन भी इस फोन के साथ अप्रैल 23 को ही मार्केट में लॉन्च किए जाए। बट इट जस्ट अ लीक, नॉट कन्फर्मेशन। MI 11 अल्ट्रा लॉन्च होना तो कन्फर्म है। नेक्स्ट टेक न्यूज की बात की जाए तो अमेजा फिट BIPU प्रो स्मार्ट वॉच विद एलेक्सा बिल्ट अमेजोन के ऐप पे लॉन्च हो गई है। मतलब आप वहां पर जाकर अमेजा फिट की BIPU प्रो वॉच बाय कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। थर्ड टेक न्यूज की बात की जाए तो यहाँ पर फेसबुक ने 16,000 बाइंग और सेलिंग रिव्यू करने वाले अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। जी हाँ, फेक 16,000 अकाउंट फेसबुक ने सिक्योरिटी के चलते अपने अकाउंट से बाइंग और सेलिंग करने वाले डिलीट कर दिए हैं। फोर्थ टेक न्यूज की बात की जाए, थोड़ी सी बड़ी न्यूज है। रेडमी नोट 10 सीरीज यूज करने वाले कुछ यूजर्स ने कंप्लेंट दर्ज की है कि उनके फोन में स्क्रीन फ्लिकरिंग का और टच इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी रेडमी वालों से अपील है कि जल्दी से इन फोन को वापस मंगवा कर उन यूजर्स के जो भी कंप्लेंट है उस इश्यू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि 17,000 रुपये खर्च करना एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। और अपने यूजर्स को नेक्स्ट टाइम एक अच्छा स्मार्टफोन पे करने की कोशिश करें। और आज की सेकंड लास्ट टेक न्यूज है, सैमसंग गैलेक्सी A82 स्मार्टफोन की कुछ लीक निकल के सामने आई है कि ये फोन हो सकता है कि अप्रैल 13 से इसकी प्री ऑर्डर बुकिंग होना शुरू हो जाए और अप्रैल 23 को ये फोन लॉन्च भी हो जाए। जी जस्ट लीक है। सैमसंग क्वेंटम 2 AKA गैलेक्सी A82 स्मार्टफोन का प्री ऑर्डर अप्रैल 13 को शुरू हो सकते हैं और 23 को इसकी लॉन्च हो सकती है। बट ये जस्ट लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं। और आज की लास्ट टेक न्यूज है, वीवो Y19। जिन लोगों ने ये स्मार्टफोन खरीद रखा है उनके लिए एंड्रॉयड 11 की अपडेट आ गई है। अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है, जाइए तो और अपने फोन को एंड्रॉयड 11 फन टच OS 11 पर आप अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं। आज की टेक न्यूज में इतना ही। थैंक यू सो मच।